很久很久以前，有一个猫的国度，叫做猫土。猫土上弥漫着混沌，猫吸入混沌就会变成魔物，破坏一切。某天，一只叫修的猫跟随金光找到了一面金色大锣，修敲响大锣，参悟运的力量，成为第一只京剧猫。他创立了京剧猫十二宗，净化了魔物们。之后，修却消失了，猫土落入邪恶的暗手中。体内的混沌，原来婆婆早就用韵力做了防备。至于我嘛，幸好我没什么音乐天赋，她的笛声可拿我没办法。这就叫傻猫有傻福吧。是聪明反被聪明误。白糖，还不过来见过荣光师兄。什么师哥？क्या ग्रैनी, आपको पहले से सब पता था? और हार्मनी पावर से खुद को सुरक्षित कर लिया था? ग्रैनी, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? समझ लो, तुम्हारे स्किल को टेस्ट कर रही थी। तो मैं आपके टेस्ट में पास हो गया है ना? असल में तुम बहुत कमजोर थे, इसलिए फेल हो गए। मुझे बहुत अफसोस है, मैंने गुआंग को बिल्कुल नहीं पहचाना। वो तो अच्छा हुआ ग्रैनी को सब पता था। मुझे समझ में नहीं आता कि आपने कैसे नहीं पहचाना इसे। इज्जत करो उनकी, इसमें मेरे पावर या स्किल्स का कोई हाथ नहीं है। इस दुनिया की किसी भी बुराई में इतनी ताकत नहीं जो मेरे शिष्यों के साथ मेरे रिश्ते को खत्म करे। इसे अपने दरवाजे पर देखते ही मैंने पहचान लिया था। मास्टर, दरअसल इन्होंने इसलिए सब कुछ नहीं बताया क्योंकि ये मेरे अंदर के जहर को साफ करना चाहती थी और मुझे बचाना चाहती थी। हम समझ गए। लेकिन तुमने गेट कैसे खोल लिया? जब मॉन्स्टर्स की आर्मी आई तो मैंने अपने हार्मनी पावर का इस्तेमाल करके गेट को बंद कर दिया और मैं भी गेट बन गया था। मैं पिछले 10 सालों तक अपने तरफ से महामारी और मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ता रहा, लेकिन मेरी ताकत इतनी नहीं थी और मैं एक मॉन्स्टर बन गया। मैं गेट से कनेक्टेड था इसलिए अंदर आ सकता था, जिसका फायदा दुश्मनों ने उठाया और मुझे गेट से आजाद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। पपिचुआ की आखिरी सेंचुरी की रक्षा करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया ग्वांग, तुमने बहुत कुछ किया है। आन जग गया है, मॉन्स्टर की ताकत जाग रही है, हमें सतर्क रहना होगा। लिलपाय, आन तुम्हारे बीड के लिए पूरी कोशिश करेगा, ध्यान से रहना। तो आपका कहना है कि क्लैंग और शहर खतरे में है?
मुझे पता था ये दिन आएगा, लेकिन इतनी जल्दी आएगा ये उम्मीद नहीं थी। मैं सोच रहा हूँ मैट्रिक्स पावर उन्हें कब तक रोक पाएगा। मुझे तो यकीन नहीं होता कि आन जिंगजू कैट्स को भी मॉन्स्टर में बदल सकता है। ग्रैनी जिन, आपके पास कोई प्लान है? मास्टर, चलिए शहर छोड़ देते हैं। इसी दिन का हम इंतजार कर रहे थे। मॉन्स्टर्स चारों ओर फैलते जा रहे हैं, हमें कुछ करना होगा। ये टाइम हीरो बनने का नहीं है। मैं फाइटर कबीले वु की फैमिली का वंशज हूँ। मुझे अपनी फैमिली के सम्मान के लिए लड़ना है। मास्टर प्लीज हमें जाने दीजिए। मास्टर, तुम दोनों भी जाना चाहते हो? मास्टर, मैं अपनी दादी को ढूंढना चाहता हूँ। मुझे भी अपना घर देखना है। अब समझा, ये सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो। किसी को परपेचुआ के भले की चिंता नहीं है। तुम लोग जिंजू कैट्स की जिम्मेदारियाँ भूल चुके हो। बिना मेरे परमिशन के कोई नहीं जाएगा। इन्हें जाने दो। ग्रैनी जिन, ये अभी तैयार नहीं है। वो जो कह रहा है बिल्कुल ठीक है। ये बच्चे अपने पंख फैलाना चाहते हैं, तो इन्हें उड़ने दो ना। लेकिन हमें पता नहीं है वहाँ क्या चल रहा है। मास्टर, जो भी बंद गेट को खोलेगा वो क्लैंगोर टाउन से बाहर जा सकता है। नो प्रॉब्लम। एक मिनट ग्रैनी, क्या ये सही है? टैंग मिंग, हमारे किटन्स पर जरा भरोसा रखो। अगर ये खुद जाना चाहते हैं तो इन्हें मत रोको। और मुझे लगता है कि एक तो जा भी चुका है। लीवाई कहाँ है? ठीक है, मुझे बाहर जाना है। गेट खोलो। मुझे लगा था हार्मनी पावर से गेट खुल जाएगा। फिर देखता हूँ। गेट नहीं खुला। कोई और तरीका जरूर होगा। ग्वांग ने कहा था हार्मनी की पावर से खुल जाएगा। क्या मैं हार्मनी पावर के इस्तेमाल से इस गेट से बात कर सकता हूँ? मैं कोशिश करता हूँ। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जिंगजू कैट ब्लड लाइन से नहीं हो, तो तुम इस गेट को नहीं खोल सकते। तुम्हें ब्लड लाइन का इतना पागलपन क्यों है? परपेचुआ को बचाने के लिए मुझे जिंगजू कैट्स के ब्लड लाइन की जरूरत नहीं है। तुम चलते फिरते प्रॉब्लम हो, इसलिए तुम हमेशा के लिए क्लेंगर शहर में ही रहो। तुम, ग्रैनी जिन ने कहा है कि जो भी गेट खोलेगा वो बाहर जा सकता है। सच में? 10 साल, क्लेंगर टाउन छोड़ने का वक्त आ ही गया। अब टाइम मत वेस्ट करो, चलो चलते हैं। रुको, हमें पहले गेट से बात करनी होगी। गेट से बात करनी होगी? तुम पागल हो, हमें ताकत लगानी होगी। मैंने वो ट्राई कर लिया है, पर तुम तो सुनोगे नहीं, इसलिए मैं साइड हो जाता हूँ। तुम भी कोशिश कर लो। तुम्हें लगता है ये बच्चे सफल होंगे? अकेले नहीं कर सकते, इन चारों को साथ मिलकर काम करना होगा। गेट खोलने के लिए बहुत ज्यादा हार्मनी के पावर की जरूरत है। एक जिंगजू कैट काफी नहीं है। इन्हें मैट्रिक्स गेट खोलने के लिए एक ही लेवल पर अलग अलग हार्मनी पावर की जरूरत है। बहुत बुरा हुआ कि मैंने अपना हार्मनी पावर खो दिया है। मैं इनकी हेल्प नहीं कर सकता। ये बच्चे अलग अलग लेवल पर हैं, इसीलिए इन्हें गेट खोलने में मुश्किल होगी। मुझे पता है इनके लिए हम आसानी से गेट खोल सकते हैं, लेकिन इन्हें ये समझना होगा कि महान हार्मनी पावर पाने के लिए इन्हें मिलजुल कर काम करना होगा। चलते हैं, बहुत सी बातें डिस्कस करनी है। ग्वांग, इन बच्चों का ध्यान रखना। यस मास्टर। हार्मनी, मुझे पावर दो। हार्मनी, मुझे शक्ति दो। मेरी शक्ति उसने मुझ ही पर फेंकी। क्योंकि तुम्हारा हार्मनी उतना स्ट्रांग नहीं है। हार्मनी, मुझे शक्ति दो। मैंने पहले ही कहा था कि ताकत लगाने से कुछ नहीं होगा। दिमाग लगाओ। कम ऑन वू, तुम कर सकते हो।
मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। अगर तुम हार्मनी पावर को गेट से बात करने के लिए यूज करोगे तो ये बात सुनेगा। मैंने ट्राई किया है। मैंने बताया था, पर किसी को तो अपनी ताकत दिखानी थी ना। तुम तो भाई सही कह रहा है, बाहर की दुनिया खतरों से भरी पड़ी है। तुम्हें अपने दिमाग की जगह अपने दिल की बात सुननी होगी। अगर तुम्हें पावर मैट्रिक्स खोलना है तो तुम सबको टीम बनकर काम करना होगा। अगर इसके साथ टीम बनानी है फिर तो हम इसे कभी नहीं खोल पाएंगे। तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने तुम्हें गॉन्ग टावर में बचाया था। मैं अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ता। तो तुम सबने हार मान ली? नहीं नहीं, चलो कोशिश करते हैं। गेट हमारी बात सुन रहा है। तुम्हें गेट पर ध्यान लगाकर अपने हार्मनी पावर को एक साथ एक लेवल पर लाना है। अगर अपने पावर को तुमने बैलेंस कर लिया तो गेट खुल जाएगा। चलो जल्दी करो दोस्तों। तुम इतने जल्दी में क्यों होते हो? हे बू, तुम्हें हमारा वेट करना चाहिए था। तुम्हें मुझे मैच करना चाहिए था। ठीक है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम्हें इन दोनों को देखना होगा। सबसे स्लो हो। तुम्हें अपने हार्मनी पावर की स्पीड को कॉम्प्रोमाइज करना होगा। ठीक है, मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा, स्पीड कम कर दूंगा। लिपाय, तुम क्या कर रहे हो? मैं बू से नहीं हारने वाला। फिर से हम अपने हार्मनी पावर को बैलेंस नहीं कर सकते। हाँ, आज का दिन खत्म हुआ, चलो वापस घर चले। जहाँ चाह है वहाँ सफल होने की राह है। मास्टर ने तुम्हें 3 दिन का टाइम दिया है, अगर हार गए तो सब कुछ हमेशा के लिए भूल जाना। 3 दिन? जैद चलो कोशिश करते हैं। हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। जीन हार मत मानो, इस बार हम जीतेंगे। ये नामुमकिन है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, प्लीज हार मत मानो। 10 साल की ट्रेनिंग के बाद भी मैं गेट नहीं खोल सकता, क्या फायदा मेरी ट्रेनिंग का? गुआंग ने कहा कि अगर हम मिलकर काम करें तो हम जरूर सफल होंगे, चलो कोशिश तो करो। हार्मनी के पावर को बैलेंस करना किसी ने नहीं सिखाया, ये काम नहीं करेगा। हम जिंगजू कैट्स कहलाने के लायक भी नहीं है। दोस्तों हार मत मानो, अगर आज सफल नहीं हुए तो कल कोशिश करेंगे या फिर परसों। जब तक हम सब साथ हैं ये गेट जरूर खुलेगा। बू, इतनी आसानी से हार मत मानो। चलो चलते हैं और कल फिर ट्राई करेंगे। बस एक बार और कोशिश कर ले। मुझे अन को हराना है और परपेचुआ को बचाना है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। हे रुको, मैं भी आ रहा हूँ, रुक जाओ। लिल पाए जल्दी करो, मैं बहुत थक गया हूँ। क्या तुम तैयार हो जीन? हाँ, एक सेकंड रुको। चलो चले। गेट खोलने की जल्दी मत करो, मैं तुम लोगों को कहीं और ले जाना चाहता हूँ। पर गुआंग, हमने नाश्ता कर लिया है। नहीं, ये बर्तन खाना बनाने के लिए नहीं है, बल्कि गेट खोलने में ये तुम्हारी हेल्प करेगा। मुझे पता था गेट तोड़ने में ये काम आएगा। एक मिनट गुआंग, क्या ये मजाक है? गुआंग, इसका हम क्या करें? तुम लोगों में साहस या संकल्प की कमी नहीं है, लेकिन तुम्हें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। और इस बर्तन को पानी से भर दो और पहाड़ पर बने टैंक में इस पानी को डाल दो तो तुम लोग गेट को खोल पाओगे। पॉट भरना, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इसमें हमें साथ काम करने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। जैड, नो प्रॉब्लम।
इसे पकड़ो जीन। बहुत बढ़िया, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू, ये तो आसान था। तो अब हम जाकर गेट खोल सकते हैं? नहीं, तुम लोग फेल हो गए। जैसे कि मैंने कल कहा था, तुम्हें एक दूसरे पर भरोसा करके एक टीम बनानी होगी। इसके बावजूद तुमने अपने एक मेंबर को पीछे छोड़ दिया। वैसे भी मजदूरों वाले काम करने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इन्हें मजे करने दो। लेल पाए, वू को कहो कि बर्तन खाली करे और फिर से टास्क शुरू करो। मैं ये कर सकता हूँ। हे लूजर, तुम फेल हो गए। ये सारा पानी पियो और फिर से टास्क शुरू करो। तुम मजाक कर रहे हो ना ग्वांग? तुम चाहते हो हम चारों इसे रस्सी से उठाएं और हमें पहाड़ पर रखे टैंक में ये पानी डालना है? और हम हार्मनी की शक्ति भी यूज नहीं कर सकते? तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं, इसलिए टाइम खराब मत करो। याद रखो, टीम वर्क ही सफलता की चाबी है। आसान काम है, इसमें 3 दिन नहीं लगेंगे। ये तो मेकअप करने से भी आसान है। जहाँ चाह है वहाँ सफलता की राह है। चलो चलो, नहीं आओ चले कहना था। आओ चले। अरे रुको रुको, थोड़ा धीरे चलो। इसे कहते हैं टीम वर्क। तुम्हें एक दूसरे पर भरोसा और निर्भर होना सीखना होगा, क्योंकि तुम लोग सिर्फ दोस्त नहीं फैमिली मेंबर्स हो। और सबसे जरूरी बात, तुम लोग पपेचुआ की आखिरी उम्मीद हो। कल आखिरी दिन है गेट खोलने का, अपनी पूरी जान लगा दो। ऑल द बेस्ट। आओ चले। क्या ये बच्चे सच में गेट खोल पाएंगे? लैन जहाँ चाह है वहाँ हमेशा राह निकल ही जाती है। आपने सच कहा ग्रैनी, लेकिन वो अभी बच्चे हैं। आन जाग गया है और हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। लेकिन इनकी ट्रेनिंग सिर्फ 10 साल की है, ये हैन की बराबरी नहीं कर सकते। हमें ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। और इसीलिए तुम्हें उनके साथ जाना है। मैं अपनी जान लगा दूंगा, इन बच्चों को सुरक्षित रखूंगा। मैं यहाँ रहूंगी क्लैंगोर शहर की रक्षा के लिए। पपिचुआ का भविष्य और हम सभी जिंगजू कैट्स का भविष्य अब इन बच्चों पर डिपेंड करता है। आ
आज जो भी फेल होगा उसे सजा मिलेगी। वो पूरी जिंदगी मेरे कपड़े धोएगा, वो बर्तन मांजेगा, फर्श साफ करेगा, झाड़ू लगाएगा। हम सब फैमिली मेंबर्स हैं, तो मुझे धमकाना बंद करो। गुड लक निलपाल। हार्मनी, मुझे पावर दो। हार्मनी, मुझे शक्ति दो। चलो गेट को खोलते हैं। हमने कर दिखाया, मैंने कर दिया। दादी माँ, मैं घर आ रहा हूँ। माँ, मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। अब लड़ाई का समय आ गया है। यकीन नहीं हो रहा कि वो मेरे पास आ रहे हैं। और इसलिए तो ये बात बहुत मजेदार होगी। तो क्यों ना इन बिल्लियों के साथ एक खेल खेला जाए। जी मास्टर। ग्रानी जिन, अपना ख्याल रखना, टाइम पर खा लीजिएगा। अरे मेरे बुद्धू बच्चों, रो क्यों रहे हो तुम सब? अपने मास्टर की बात सुनो, मुझे चिंता नहीं होगी। ग्रानी जिन, मिल पाए अपने दोस्तों को तुमने गुड बाय कहा? आज सुबह ही मैंने गुड बाय कहा टोफू और युवान को, मछुआरे को, किसान को और बुक वाले दुकानदार को भी। ओके ओके, मुझे पता है। एक बात याद रखना, कुछ भी हो जाए तुम लोग एक परिवार हो और पपचुआ का भविष्य अब तुम्हारे हाथों में है। न्याय की जीत होती है। जिंगजू कैट्स, एक साथ रेस लगाओ। हम बहुत जल्दी वापस आएंगे ग्रैनी। चाहे कोई भी खतरा आए, मैं उससे लड़ूंगा। चलो लिल बाई।